ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में भजन शिक्षा के अंतर्गत एक भजन गायन भी सीखेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम भजन शिक्षा। कक्षा में प्रस्तुत हैं भगवान बाबा के प्रिय भजन गायकों में से एक श्री रवि कुमार सर एवं श्री अनिरुद्ध श्रीनिवासन जी। राघव सुंदर राम रघुवर। ओम श्री साई राम। रेडियो साई भजन शिक्षा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा के लिए हमने भगवान राम की वंदना करता हुआ ये भजन चुना है। चलिए अब इस भजन के बोल जान लेते हैं। राघव सुंदर राम रघुवर, परम पावन हे जगवंदन। राघव सुंदर राम रघुवर, पतितोद्धारण भक्त परायण, रावण मर्दन विघ्न भंजन, प्रतिपुरीश्वर साई नारायण। आज की कक्षा के लिए इस भजन को डी पंचम श्रुति में गाया जा रहा है, जिसे टू पंचम या सफेद दो का पंचम भी कह सकते हैं। राघव सुंदर राम रघुवर, राघव सुंदर राम रघुवर, राघव सुंदर राम रघुवर, राघव सुंदर राम रघुवर, परम पावना हे जगवंदन, परम पावना हे जगवंदन, परम पावना हे जगवंदन, परम पावना हे जगवंदन। राघव सुंदर राम रघुवर, राघव सुंदर राम रघुवर, पतितो धारण भक्त परायण,
पतितो धारण भक्त परायण। पतितो धारण भक्त परायण। पतितो धारण भक्त परायण। रावण मर्दन विघ्न भंजन। रावण मर्दन विघ्न भंजन। रावण मर्दन विघ्न भंजन। रावण मर्दन विघ्न भंजन। परतिपुरीश्वर साई नारायण। परतिपुरीश्वर साई नारायण। परतिपुरीश्वर साई नारायण। परतिपुरीश्वर साई नारायण। राघव सुंदर राम रघुवर। कहरवा ताल और अधिकांशतः राग बैरागी भैरव पर आधारित इस भजन की धुन जान लेने के बाद चलिए अब रुख करते हैं साई भजनों की आत्मा कहे जाने वाले भाव पक्ष की ओर। राघव सुंदर राम रघुवर। राघव सुंदर राम रघुवर। राघव सुंदर राम रघुवर। राघव और रघुवर का अर्थ है रघु के वंशज। यहाँ रघु शब्द भगवान राम के परदादा सम्राट रघु की ओर इंगित करता है। भगवान बाबा ने स्वयं भी राम कथा रसवाहिनी में राजा रघु के बारे में लिखा है। वे कहते हैं रघु इस नाम का चयन उस नक्षत्र के आधार पर किया गया था जिस नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था। नन्हे बालक के रूप में उन्होंने अपनी अटखेलियों और क्रीड़ाओं से सभी का मन मोह लिया था। वे एक उज्जवल और आकर्षक युवक के रूप में सभी को बहुत भाते थे। अपनी किशोरावस्था पूर्ण करने के बाद वे अपने पिता राजा दिलीप के एक बहादुर दृढ़ और कुशल सहायक बन गए। सम्राट रघु के उत्कृष्ट गुणों के बारे में भगवान कहते हैं युवा सम्राट रघु गुणों के धनी थे। समस्या कितनी भी कठिन क्यों न हो वे इसे झट से समझ जाते और इसे हल करने के साधनों की खोज में जुट जाते। उन्होंने अपनी प्रजा को सुख और संतोष प्रदान किया। दुष्ट राजाओं पर कभी शांत बुद्धि और चतुर कूटनीतिक रणनीति का प्रयोग करके तो कभी एक छोटी सी सेना का नेतृत्व करके उन पर विजय पाई तो कभी प्रत्यक्ष रूप से युद्ध के मैदान में उनसे लड़कर उन्हें परास्त किया। वे जन कल्याण को सुनिश्चित करने वाली गतिविधियों में व्यस्त रहा करते और साथ ही उन्होंने वेदों में उल्लेखित संस्कृति को बढ़ावा दिया। समाज के सभी वर्गों के लोग उनके शासन की प्रशंसा किया करते। लोग कहा करते कि महाराज रघु अपने कार्य शारीरिक कौशल साहस धर्मपरायणता और प्रजा के प्रति करुणा के संबंध में अपने पिता से भी श्रेष्ठ हैं। सभी ने कहा कि वे अपने नाम से जुड़े महत्व को चरितार्थ कर रहे थे।
महाराज रघु ने वनों में तपस्या में लीन साधुओं की देखभाल और विश्राम पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वे सभी प्रकार के कष्टों से बचे रहें। उन साधुओं की सुरक्षा और प्रोत्साहन का उत्तरदायित्व भी स्वयं उठाया, इसलिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में साधु संतों का आशीर्वाद और अनुग्रह प्राप्त हुआ। राजा रघु एक योग्य और कुशल प्रशासक थे, इसलिए उनका पूरा राजवंश उनके नाम से जाना जाने लगा। अब सुंदर शब्द पर आते हैं। भगवान ने सदैव यह स्पष्ट किया है कि सच्ची सुंदरता सद्गुणों में निहित है। सन 1993 के समर कोर्स के एक प्रवचन में भगवान ने कहा, मनुष्य अपने घर और अपने शरीर को सजाता है क्योंकि उसे सुंदरता ही भाती है, लेकिन ऐसे प्रयास उसे केवल क्षणिक संतुष्टि दे सकते हैं, स्थायी आनंद नहीं। वह बाहरी सुंदरता नहीं अपितु आंतरिक सुंदरता ही है जो उसे शाश्वत संतुष्टि दे सकती है। यह हृदय का वो अदृश्य सौंदर्य है जिसे विकसित करने का प्रयास प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। प्रेम, धैर्य और करुणा ऐसे गुण हैं जो हृदय को सुंदरता प्रदान करते हैं। प्रोफेसर कस्तूरी ने सत्यम शिवम सुंदरम के पहले भाग में भगवान बाबा के जन्म के बारे में लिखते हुए उनके बाल्यकाल का वर्णन किया है। वे कहते हैं, बालक सत्या इतना आकर्षक था जिसका वर्णन करना असंभव है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं क्योंकि बालक सत्या का जन्म सभी योग सिद्धियों के साथ हुआ था जिनके बारे में पतंजलि ने कहा है कि वे जन्मजात ही व्यक्ति को मिलती हैं। बाबा ने भी घोषणा की है कि वे अपने जन्म से पहले ही जानते थे कि उनका जन्म कहाँ होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने अपनी सभी चमत्कारिक शक्तियों के साथ ही जन्म लिया और स्वेच्छा से उन्हें एक एक करके तब प्रकट किया जब उन्हें लगा कि अब इसकी घोषणा करने का उचित समय आ गया है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि कैसे नन्हे सत्या के सिर के चारों ओर वैभव का एक प्रभा मंडल था और उसकी मुस्कान में एक अलौकिक सौंदर्य था जो सभी के हृदय जीत लेता था। अब मैं एक सुंदर घटना सुनाती हूँ जो संभवतः 1970 के दशक में बेंगलोर में भगवान के निवास स्थान वृंदावन में घटी थी। उन दिनों जब छात्र भगवान के साथ होते थे तो बाबा सुबह 2 घंटे उनके साथ बिताते थे और फिर वे भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर चले जाते थे। उस समय भी छात्र उनका अनुसरण किया करते ताकि वे हर समय भगवान का साथ पाएं। एक दिन भगवान ने दर्शन के बाद लड़कों की ओर देखा और कहा, अरे तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? लड़के निरुत्तर हो गए। भगवान ने आगे कहा, तुम सुबह मेरे साथ समय व्यतीत करते हो, पूरे 2 घंटे मेरे साथ थे और अब दर्शन के समय भी तुम मुझे ही देख रहे हो, उसके बाद भजन के समय भी तुम मुझे ही देखते हो, अब मैं वापस जा रहा हूँ तब भी तुम मुझे ही देख रहे हो, तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? फिर भी लड़कों के पास कोई उत्तर नहीं था। फिर एक छात्र ने कहा, स्वामी हम नहीं जानते। भगवान ने कहा, तुम नहीं जानते? यदि तुम नहीं जानते हो तो मुझे क्यों घूर रहे हो? अंत में एक लड़के ने कहा, स्वामी हम कारण नहीं बता सकते, लेकिन जब हम आपको देखते हैं तो हमें केवल आपको ही देखने का मन करता है और आप पर से अपनी दृष्टि हटा ही नहीं पाते स्वामी, इसलिए हम आपको ही निहारते रहते हैं। तब भगवान मुस्कुराए और कहा, दैवत्व मंटे अदेरा, अर्थात यही दैवत्व है। सचमुच यह मनोरम दैवत्व ही तो है जो प्रिय भगवान को सदा निहारे जाने योग्य सुंदर बनाता है। रामकथा रसवाहिनी में भगवान बताते हैं कि कैसे भगवान राम को
उनका यह नाम मिला। जब राजा दशरथ के चार पुत्रों का नामकरण करने के लिए महर्षि वशिष्ठ को बुलाया गया तो ब्राह्मणों ने विस्तार से ध्यान देकर समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने पवित्र अग्नि प्रज्वलित की और उपयुक्त सूत्रों के पाठ के साथ हवन किया। सोने के थालों पर अक्षत फैलाए गए। उन नक्षतों पर कोमल रेशमी वस्त्र फैलाया गया। माताओं ने बच्चों को उस वस्त्र पर रखा। कौशल्या के पुत्र ने वशिष्ठ को ऐसे देखा जैसा उनका कोई पुराना परिचय हो। उन्होंने उनके पास जाने का प्रयत्न किया जैसे कि उन्हें उनका सानिध्य पसंद हो और वे उनके पास जाकर प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा विचित्र व्यवहार देखकर हर कोई स्तब्ध था। यह देखकर महर्षि वशिष्ठ अभिभूत हो गए और उनके नेत्रों से आनंद के अश्रु बहने लगे। उन्हें सतत अपने आंसू पोंछने पड़े और बहुत प्रयास करने के बाद वे स्वयं को नियंत्रित कर सके। हाथों में अक्षत लेकर उन्होंने कहा, महाराज, रानी कौशल्या के आनंद को बढ़ाने के लिए इस बच्चे का जन्म हुआ है। संपूर्ण मानव जाति के लिए भी यह बालक ऐसा ही करेगा। उसके गुण सभी को सांत्वना, संतोष और आनंद प्रदान करेंगे। योगी और साधक उसमें आनंद का एक बड़ा स्रोत पाएंगे। इसलिए इस क्षण से उसका नाम राम होगा, अर्थात वह जो सबको सुखद अनुभूति देता है। राम नाम का एक और गूढ़ महत्व है। भगवान कहते हैं कि इसमें तीन शब्दांश हैं, र, आ और म। र अग्नि का प्रतीक है, आ सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है और म चंद्र को दर्शाता है। भगवान कहते हैं कि र अग्नि देवता का प्रतीक होते हुए सभी पापों को दूर कर देता है। आ प्रतीक है सूर्य देव का, जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करते हैं, और म चंद्र देवता का द्योतक है, जो व्यक्ति के क्रोध का भंजन करके उसे शांति प्रदान करते हैं। इस प्रकार राम नाम में मानव के पापों को धोने, अज्ञान के अंधकार को दूर करने और मन को शांत करने की त्रिगुण शक्ति है। भगवान कहते हैं कि मानव जाति को इस पवित्र नाम का गूढ़ महत्व समझाने के लिए वे भगवान राम बनकर मानव रूप में आए। बाबा बताते हैं कि राम का नाम मन, वचन और कर्म में सामंजस्य का प्रतीक है, और भगवान राम ने अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में इस सामंजस्य को प्रदर्शित किया है। इस प्रकार इस पंक्ति राघव सुंदर राम रघुवर में हम भगवान राम को नमन करते हैं, जो गुणी राजा रघु के वंशज हैं। वे ऐसे भगवान हैं जो हमेशा से सुंदर हैं और सभी को प्रसन्न करते हैं। पतितो धारण भक्त परायण, पतितो धारण भक्त परायण, पतितो धारण भक्त परायण। राम अवतार के जीवन में एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे भगवान राम ने अपने स्पर्श मात्र से एक पतित स्त्री को मुक्त किया। अहिल्या को उनके पति गौतम ऋषि ने पत्थर की शिला बन जाने का श्राप दिया था। ऋषिवर ने उनसे कहा था कि केवल भगवान राम के दिव्य चरणों का स्पर्श ही उन्हें मुक्ति दे सकेगा। भगवान राम मिथिला राज्य के मार्ग में आने वाले ऋषि के आश्रम में जाते हैं और उन्हें श्राप मुक्त करते हैं। 1996 के ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम के समय एक प्रवचन में भगवान ने इस दृश्य का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। भगवान कहते हैं, राम सब कुछ जानते थे लेकिन ऐसा दिखावा करते थे जैसे उन्हें कुछ भी पता नहीं हो। जैसे ही वे अहिल्या की ओर बढ़े,
राम के पैरों से निकलने वाले स्पंदनों ने उनके क्षुद्र रूप में एक नवजीवन की लहर ला दी। वे तुरंत भगवान राम के चरणों से लिपट गईं और उनसे क्षमा करने और कृपा करने की प्रार्थना करने लगीं। उसी क्षण गौतम ऋषि भी घटनास्थल पर पहुंचे और पवित्र अहिल्या को स्वीकार किया। यह घटना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि कैसे केवल प्रभु ही हमें पवित्र करने और मुक्त करने की शक्ति रखते हैं। रामायण में एक और मार्मिक घटना है जो यह बताती है कि कैसे भगवान अपने भक्तों के प्रेम में बंधे हुए हैं। शबरी एक बूढ़ी आदिवासी महिला थी जो जंगल में स्थित महर्षि मतंग के आश्रम में रहा करती थी। आदरणीय ऋषि ने उनसे कहा कि भगवान राम एक दिन उनके आश्रम में जरूर आएंगे और उनके आगमन की तैयारी करनी चाहिए, भले ही वे स्वयं व्यक्तिगत रूप से वहां उपस्थित ना हो। अपने गुरु के इस वचन को उसने बहुत गंभीरता से लिया और हर दिन भगवान राम के स्वागत के लिए पूरी लगन से तैयारी करने लगी। यद्यपि उसे इस बात का कोई अनुमान नहीं था कि भगवान दिखते कैसे हैं और कब आएंगे। वो हर दिन पथ पर झाड़ू लगाती और उनके आगमन पर उन्हें खिलाने के लिए सबसे अच्छे फल और कंदमूल एकत्रित करती। वह भगवान के प्रति इतनी समर्पित थी कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ खाद्य पदार्थ ही देना चाहती थी और इसीलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि सारे फल पर्याप्त मीठे हों, हर एक फल और कंद को पहले स्वयं चखकर देखती। वर्षों बीत गए लेकिन इस वृद्धा ने अपनी दिनचर्या नहीं छोड़ी। उसे विश्वास था कि एक दिन प्रभु जरूर आएंगे और वास्तव में भगवान श्रीराम वहां पधारे। जब प्रभु आए तो शबरी ने अपनी आंखों और हृदय दोनों से ही तुरंत पहचान लिया। उसने प्रभु को जो भी दिया, भले ही वो सब झूठा क्यों ना हो, प्रभु ने उसे स्वीकार किया और बड़े चाव से खाया। जब शबरी ने भगवान राम से कहा कि एक साधारण व्यक्ति होने के नाते वह ये नहीं जानती कि उनकी प्रशंसा कैसे की जाए, तो उन्होंने उत्तर दिया, शबरी, भक्त की भक्ति से संबंध ही मेरा ध्येय है। उनके कुल या जाति से मुझे कोई लेना देना नहीं है। भक्ति के बिना पद, धन और चरित्र का क्या उपयोग? यदि भक्त भक्ति के 9 मार्गों में से किसी एक का निष्ठा से अभ्यास करता है तो वह मुझे प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि तुम मेरे दर्शन, स्पर्श और संभाषण का यह अवसर इतनी सुगमता से प्राप्त कर गई। यह एक ऐसा अवसर है जिसे प्राप्त करना योगियों को भी कठिन लगता है। यह घटना प्रभु के लिए शबरी की भक्ति और शुद्ध प्रेम के बारे में बहुत कुछ बताती है। उसके लिए यही सब मायने रखता था और उसने उस प्रसाद को स्वीकार किया। वास्तव में शबरी को लगा कि उसके जीवन का उद्देश्य तब साकार हुआ था जब भगवान श्री राम ने आश्रम का प्रवास किया। वह मुक्त हो गई और कुछ समय बाद भगवान में विलीन हो गई। यह मार्मिक उदाहरण दर्शाता है कि भगवान वास्तव में भक्त परायण है। इसलिए इस पंक्ति पतितोद्धारण भक्त परायण में हम भगवान राम को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो संकटग्रस्त लोगों का उद्धार करते हैं और अपने भक्तों से हमेशा जुड़े रहते हैं और सदैव उनके कल्याण के बारे में सोचते रहते हैं। रावण मर्दन विघ्न भंजन, रावण मर्दन विघ्न भंजन, रावण मर्दन विघ्न भंजना। सन 1997 के अप्रैल माह में रामनवमी के अपने प्रवचन में भगवान ने कहा,
राम धर्म का प्रतीक है और रावण अधर्म का। रावण ने संसार को एक महान पाठ पढ़ाया है। उसने कहा है, हे मित्रों, जैसा जीवन मैंने जिया है वैसा जीवन तुम मत जियो, अन्यथा तुम्हारा भी नाश होगा। रावण के विनाश का मूल कारण क्या है? अपनी इच्छाओं को जीतने में असमर्थ, अपने आवेगों से छुटकारा पाने में अनिच्छुक, उसने अपने पूरे कुल का विनाश कर दिया। उसके पुत्र मारे गए, उसके भाई और अन्य संबंधी भी मारे गए, और अंततः उसका देश ही राख हो गया। रावण ने स्वीकार किया, अंत में मैंने स्वयं का नाश कर लिया। रावण ने अपने अंतिम क्षणों में अपने देशवासियों को यही संदेश दिया था। शरीर के प्रति लगाव के कारण ही रावण सभी प्रकार के कष्टों का शिकार हुआ था। रावण द्वारा दिया गया संदेश यह था, हे देशवासियों, क्योंकि मैं अपने शारीरिक आवेगों को नहीं रोक सका, मैंने स्वयं का नाश कर लिया, अपने पूरे कुल को नष्ट कर दिया, इसलिए मेरे भाग्य से और मेरी गति से सावधान रहना। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रावण रामायण का केवल एक पात्र नहीं था, बल्कि वह हमारे भीतर मौजूद सभी नकारात्मक गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान वह है जो हमारे अंदर की सभी बुरी प्रवृत्तियों को नष्ट कर देते हैं और इस प्रकार उन बाधाओं को दूर करते हैं जो हमें उनके साथ एक होने से रोकती हैं। इसलिए इस पंक्ति में हम भगवान राम की महिमा का गान करते हैं, जो हमारे अंदर स्थित रावण का विनाश करके हमारे जीवन की सभी बाधाओं को दूर करते हैं। परतिपुरीश्वर साई नारायण, परतिपुरीश्वर साई नारायण, परतिपुरीश्वर साई नारायण। पुट्टपर्ति वह पवित्र गांव है जिसे कलयुग में भगवान ने श्री सत्य साई बाबा के रूप में अपने आगमन के लिए चुना। एक छोटा सा सुषुप्त गांव अब वास्तव में भगवान बाबा के दिव्य स्पर्श से पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रेममयी स्थान के रूप में उभरा है। उन दिव्य स्पंदनों का अनुभव करने के लिए शांति की इस घाटी में प्रवेश करना ही होगा। यह स्थान वास्तव में बहुत ही दिव्य और अनुपम है। इसकी दिव्यता को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। भगवान बाबा बताते हैं कि ईश्वर का अर्थ है वह जिसके पास भगवान से युक्त संपूर्ण महिमा है। साई शब्द स और आई से बना है। सा का अर्थ है दिव्य और आई का अर्थ है माँ। सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक में बाबा की जीवनी के लेखक प्रोफेसर कस्तूरी ने वर्णन किया है कि साई का अर्थ है गुरु। उनका कहना है कि साई संस्कृत शब्द स्वामी से लिया गया है और यह भी कि यह फारसी शब्द शाह या शाही से जुड़ा है जिसका अर्थ है राजा। इस पंक्ति में अंतिम शब्द है नारायण, जो भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए एक लोकप्रिय नाम है, जिन्हें हिंदू धर्म में देवताओं की पवित्र त्रिमूर्ति में से एक माना गया है। वे संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार हैं। वास्तव में प्राचीन हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान राम भगवान विष्णु के दशावतारों में से ही एक हैं। नारायण इस नाम के आंतरिक महत्व को बताते हुए स्वामी कहते हैं, नारायण नाम को नर और आयन इन दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें नर का अर्थ है जीवित इकाई और आयन का अर्थ है आराम करना या निवास करना। इस प्रकार नारायण का अर्थ है वह जो सभी जीवित रूपों में निवास करता है। इस पंक्ति में ईश्वर अर्थात शिव और नारायण अर्थात विष्णु दोनों प्रकट होते हैं। रोचक बात तो यह है कि राम नाम ओम नमः शिवाय और ओम नमो नारायणाय से लिया गया है।
भगवान बाबा ने एक बार समझाया कि यह सुंदर नाम कहाँ से लिया गया है। उन्होंने कहा कि म अक्षर पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की प्राण शक्ति है, और यदि इस मंत्र में से म हटा दिया जाए तो वह न शिवाय हो जाएगा। इसका अर्थ है अशुभता। इसी तरह रा अक्षर आठ अक्षरों वाले मंत्र ओम नमो नारायणाय का सार है, जिसके बिना यह अपना अर्थ खो देता है। इसलिए भगवान ने कहा कि पांच अक्षरों वाले मंत्र की जीवन शक्ति यानी म और आठ अक्षरों वाले मंत्र यानी रा एक साथ दिव्य नाम राम बनाते हैं। वे हमें इस पवित्र नाम को सतत दोहराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि यह सदैव हमारी रक्षा करता है। इसलिए इस पंक्ति परति पुरीश्वर साई नारायण में हम त्रेतायुग के भगवान श्री राम की जय जयकार करते हैं, जो कलयुग के समय पुट्टपर्ति के साई राम के रूप में इस पृथ्वी पर फिर से प्रकट हुए और मानवता के अनुकरण के लिए एक आदर्श उदाहरण स्थापित किया। वे वास्तव में सभी प्राणियों में वास करते हैं। चलिए इन्हीं भावनाओं के साथ ओतप्रोत होकर हम इस भजन को पुनः एक बार दोहराते हैं। राघव सुंदर राम रघुवर
आशा है कि आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी। हम शीघ्र ही एक और भजन लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय साई राम। प्रेम रस से सराबोर साई प्रेम वाणी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258। 9393258258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। भक्तगण जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी प्रेरणा और नियंत्रण में बना ये प्रसारण आपको ही समर्पित है। हम आपसे ऐसे ही शुभ अवसर पाते रहें, इसी कामना के साथ ये प्रसारण समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सप्रेम साईं राम।